अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है आप सब लोग अच्छे से होंगे। जो लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, मैंने वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को सच बताऊँ, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद वीडियो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सर्दियों में, चाहे गर्मियों में तो फेस वॉश इंपॉर्टेंट होता ही है, लेकिन सर्दियों में भी हम फेस वॉश यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इश्यूज जो हमारा जो इंपॉर्टेंट कहते हैं केयर होती है स्किन की, वो फेस वॉश होता है। तो वो अगर विंटर्स में सही ना हो तो हमारी स्किन बर्बाद हो जाती है विंटर्स में। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है विंटर्स में, एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए भी, ड्राई स्किन वालों के लिए भी, और ऑयली स्किन वालों के लिए भी, और हर टाइप की नॉर्मल स्किन वालों के लिए भी। जो मेन प्रोडक्ट हमारी स्किन को ख़राब कर रहा होता है विंटर में, वो फेस वॉश होता है। ये किसी को पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगी, डिटेल बताऊंगी स्किन टाइप्स के साथ। मैं अपने चैनल पे 1 से 4 स्किन टाइप पर ट्राई करके वीडियो बताती हूँ, एक्सपीरियंस रिव्यू देती हूँ पूरा यूज करके। तो इस तरह का एक्सपीरियंस रिव्यू है आज। ऐसे ही ऑनेस्ट और डिटेल और एक्सपीरियंस रिव्यू देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी स्किन टाइप दिखा सकते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो लेके आई हूँ, वो बायो एक्वा वालों का H2O एक्वा मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश है, जो कहता है कि एक्वा क्लीन एंड क्लियर रेडियंस फेस वॉश है। देखें, अब आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा H2O क्या होता है। H2O वाटर होता है। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो भी सुन लें, H2O पानी का फॉर्मूला है, ठीक है। हाइड्रोजन्स और ऑक्साइड के साथ मिलकर पानी बनता है। तो इन्होंने बोला है कि ये H2O एक्वा मॉइस्चराइजिंग आपका फेस वॉश है। अब आप लोग जरा बेसिक प्रॉब्लम सुन लें, एक्नी प्रोन स्किन को। अब मेरा मेजोरिटी चैनल एक्नी प्रोन है, मुझे 3 दफा एक्नी रह चुकी है, तो मैं अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। तो एक्नी प्रोन स्किन के लोग ज्यादा मुझे देख रहे होंगे इस टाइम, और ड्राई स्किन वाले भी सुन लें। सबके बारे में मैं बात करती हूँ, एक स्किन टाइप पर बात करूंगी मैं। सर्दियों में जिनकी एक्नी निकलती है ना, बहुत सारे लोगों को हार्मोनल एक्नी निकलती है, और मुझे सर्दियों में ही एक्नी निकला करती थी, क्योंकि मुझे इंटरनल एक्नी प्रॉब्लम था। अब वो लोग एक्नी ड्राई करने के लिए इतनी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, और जब आप एक्नी ड्राई के लिए प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो आपकी स्किन मज़ीद ड्राई हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे लोग जिनकी स्किन ऑयली होती है, और वो अपनी गर्मियों वाली प्रोडक्ट्स ही सर्दियों में यूज़ कर रहे होते हैं, तो स्किन और ड्राई हो जाती है। एक बात आपने याद रखनी है, स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और विंटर्स में आपकी स्किन, चाहे एक्नी प्रोन है, एक्नी प्रोन स्किन वाले, ज़रा मेरी बात गौर से सुने, मैंने भी फर्स्ट टाइम ये गलती की थी। स्किन को सर्दियों में एक्नी निकली हुई है, मज़ीद ड्राई किए चले जा रहे हैं, ड्राई चीज़ें लगा लगा के एक्नी ड्राई हो जाए। जितनी स्किन ड्राई होगी उतनी एक्नी निकलेगी सर्दियों में, ये बात आप याद रखें। क्योंकि स्किन ड्राई होने से हमारी क्रैक्स पड़ जाते हैं, मज़ीद क्रैक्स पड़ने से मज़ीद अंदर गंद घुसता है, मज़ीद एक्नी निकलती है। और मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझा देती हूँ, जैसे स्किन का दम नहीं घुट जाता, अगर आप स्किन के ऊपर पोर्स बंद करने की चीज़ें लगाई जा रहे हैं और ड्राई करने की चीज़ें लगाई जा रही है, स्किन का दम घुट जाता है इस तरह। फिर वो क्या होता है, जो अंदर हवा या दम घुटता है, वो टाइनी बम्स की सूरत में फट के बाहर निकलता है। ये मैंने आपको सिंपल लफ्ज़ों में समझा दिया, डॉक्टरी लफ्ज़ों में आप लोगों को समझ नहीं आती। वो दम घुटने से स्किन का वो क्या होता है, वो टाइनी बम्स बनते हैं, और टाइनी बम्स सीधा एक्नी बनती है। तो खुदा के लिए, वो सबसे बड़ा मेजर रोल जो प्ले कर रहा होता है, आपका फेस वॉश कर रहा होता है। आप लोग फेस वॉश ऐसा यूज़ कर रहे होते हैं, और मेजोरिटी में सर्दियों में फेस वॉश नहीं बताती हूँ, सर्दियों में सिर्फ एक्नी प्रोन स्किन वालों को मैं फेस वॉश बताती हूँ। लेकिन अब ये मसला आ रहा था कि सब स्किन टाइप के लोगों के लिए एक फेस वॉश मैं ऐसा लाऊं जो सब यूज़ कर सकें, वो है ये। वो कैसे यूज़ करना है, गौर से सुनना है आपने। हम सुबह उठते फेस वॉश यूज़ करते हैं, रात सोते फेस वॉश यूज़ करते हैं, तो फेस वॉश हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी केयर के अंदर। तो हमें सर्दियों में हाइड्रेशन चाहिए, हाइड्रेट अपनी स्किन को रखना है। तो कैसे रखना है, हमें ये वाला उन्होंने बोला है कि आपकी स्किन के अंदर जो पानी ख़त्म हो जाता है, सर्दियों में हम पानी भी कम पीते हैं, तभी भी एक्नी में निकलती है, स्किन ड्राई हो जाती है, लिप्स भी मरक से ड्राई रहते हैं, वो मैं आगे डिटेल्स में बताऊंगी। तो इस वजह से उन्होंने बोला, जो पानी आपकी स्किन में कम हो जाता है, ये उस पर काम करता है। ये करता है कि नहीं करता है, मैं अब आपको बताऊंगी किस हद तक करता है, किस हद तक नहीं करता है, ये भी मैं आपको लोगों को बताऊंगी। तो मैंने इसे लिया, और आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना इसको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और मैंने 3-4 लोगों को बोला भी था, उन्होंने लेके यूज़ किया, अपने मेरे फॉलोवर्स को बोला था। उन्होंने बोला कि रिच एंड डेलिकेट फ्रॉम द रैप इन फैशियल स्किन, और सारा जो वो बोलते हैं कि स्किन को रिजनरेट करेगा, फैशियल की तरह करेगा, बाकी सब चाइनीज लिखा हुआ है। 100 ग्राम्स का ये आप लोगों को मिल जाएगा। ये है बायो एक्वा वालों का, और बायो एक्वा के प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं मेजोरिटी वीडियोज़ इसलिए बनाती हूँ कि जो अच्छी हैं वो मेजोरिटी अच्छी हैं, कुछ नहीं भी अच्छी है इनकी। अब मैंने इसको लिया क्योंकि मेरी स्किन है एक्सेसिवली ड्राई, ठीक है, सर्दियों में हो जाती है। और मैंने इसे, अब मैं दिसंबर में वीडियो बना रही हूँ, मैं इसे नवंबर के स्टार्ट से यूज़ कर रही थी, मैंने इसे यूज़ किया, और अब तक मैंने इसे यूज़ किया, ये मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती कि ये किस कदर अच्छा फेस वॉश है। मैं इसे फेस वॉश नहीं बोलती, मैं इसको क्लेंजर बोलती हूँ। सर्दियों में आज तक मैंने कोई अच्छा ऐसा फेस वॉश यूज़ नहीं किया जो इतना अच्छा हो, क्योंकि सुन लीजिए, मैं फेस वॉश के सर्दियों में यूज़ ही नहीं करती ज़्यादा फेस वॉश, क्योंकि मेरी स्किन है ड्राई।
मैंने जब इसको सर्च किया, पूरा सर्च करके मैंने इसे लिया कि यार फेस वॉश मुझे मुझे तो यूज़ करना है सर्दियों में, क्या यूज़ करूँ, तो मैंने इसको लिया। इसके सारे मैं आप लोग को टेक्सचर वगैरह भी दिखाती हूँ। मैंने 3-4 फॉलोवर्स को बोला जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, मैम प्लीज़ को ऐसा फेस वॉश बता दें जो मॉइस्चराइजिंग हो, मैंने उनको बोला, उनकी तरफ से भी मुझे इतना पॉजिटिव रिजल्ट है आप सोच नहीं सकते, थम्स अप बोलूंगी। अब इसको मैंने यूज़ कैसे किया, इसका मसला ये कि आप लोग इसे गलत यूज़ करते हैं, यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। तो ये फेस वॉश आप लोग हर स्किन टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं, जिन लोग की स्किन पर टाइनी बम्स बने होते हैं, जिन लोग एक्नी प्रोन स्किन ज़्यादा, जिनको एक्सेसिव एक्नी है वो मत यूज़ करें, जिनको बहुत ज़्यादा एक्नी निकली हुई है वो मिस्टाइन वालों का एक्नी क्लियर प्लस फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जिन लोगों को एक्नी आके रुक गई है और टाइनी बम्स हैं बस, वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एक टाइम हाइड्रेशन के लिए, ये बहुत अच्छा है। अपनी स्किन को बार बार बोल रही हूँ, सर्दियों में ये इससे अच्छा फेस वॉश नहीं, गर्मियों में तो ये काम करेगा लेकिन सर्दियों में ये बहुत बेस्ट है। अब इसकी टेक्स्चर की बात करती हूँ मैं आप लोग को, बड़ी अच्छी पैकेजिंग में है ये, इस तरह का इसका कुछ टेक्स्चर, ये बहुत थिक सा टेक्स्चर है इसका, ठीक है। अभी मैं आपको पानी लगा के नहीं, मैं सिंपल बता रही हूँ। इस तरह से हमेशा फेस वॉश जो है ना आप लोग सेमी वेट फेस के ऊपर लगाया करें, या ज़्यादा भी ड्राई फेस पे ना लगाया करें। इस तरह से आप लोगों ने सेमी वेट फेस करना है, उसके ऊपर इसको लेना है और इस तरह से आप लोगों ने इसका मसाज करना है। जब आप सोच लें पानी लगाएंगे तो कितना थिक लेदर बन जाएगा, ज़्यादा नहीं लेना, नॉर्मल लेना है। ये इतना ही देख सकते हैं कितना क्रीमी है ये। इसको फर्स्ट टाइम में, ये पहला फेस वॉश है, फर्स्ट टाइम में आपको ऐसा लगेगा आपकी नोज से सारे ब्लैकहेड्स चले गए, आपकी चिन चमक रही होगी, आपके चीक्स आपको साफ लग रहे होंगे, माथा आपका चमक रहा होगा, ऐसे ही क्लेंजिंग करता है। मुझे तो लगता है इन्होंने गलत लिखा, ये फेस वॉश है, ये क्लेंजर है, ये इतना अच्छा क्लेंजर है। अब सुन लीजिए, जिन लोगों की स्किन एक्सेसिवली ड्राई रहती है वो कैसे यूज़ करेंगे। देखिए रात के टाइम अगर आप लोगों ने इसको यूज़ कर लिया है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी रात के टाइम स्किन इतनी ड्राई नहीं होती, दिन के टाइम होती है। आप लोगों को खुद से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होता है। बहुत सारे लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं, उन्हें यूज़ नहीं करना आ रहा तो वो प्रोडक्ट को गलत बोल देते हैं। जिनमें सबसे बड़ा मेजर प्रोडक्ट मैं हमेशा कहती हूँ फेस में, फेस वॉश है। कुछ लोगों की दिन के टाइम स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, कुछ लोगों की रात के टाइम होती है। दिन में किन लोगों की होती है, जो लोग घर रहते हैं, जो लोग मतलब इतना बाहर काम नहीं करते हैं उनकी स्किन ड्राई दिन में होती है, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनकी स्किन में दिन के टाइम स्किन इतनी ड्राई नहीं होती, क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी का खून जो है वो अपना सर्कल में होता है, तो इतनी स्किन ड्राई नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा पसीना भी आता है। अच्छा, जो लोग बाहर ज़्यादा काम करते हैं वो रात के टाइम इसको यूज़ करें, ठीक है, और शाम के टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं तो सुबह भी एक दफ़ा यूज़ करके देख लें काम पर जाने से पहले, लेकिन मैं कहती हूँ कि दो टाइम इसको लाजमी यूज़ करें। अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि जब आपको लगे कि मेरी स्किन शाम के टाइम ज़्यादा ड्राई होती है और रात के टाइम होती है, तो वो दो टाइम रख लें। लेकिन जो लोग घर रहते हैं, नॉर्मल घर के औरतें, घर का काम करती हैं, जो मर्द भी घर रहते हैं, उन्हें होता है कि यार मेरी स्किन दिन के टाइम बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है सुबह के टाइम, तो वो सुबह और रात, मतलब रात से थोड़ी देर पहले 7-8 बजे इसको यूज़ कर सकते हैं दो टाइम, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और जिनकी एक्सेसिवली एक्नी है, वो कहते हैं कि हमें बहुत एक्नी है पर मैम हमारी स्किन ड्राई हो गई है अब यूज़ कर करके एक्नी के फेस वॉशर, वो एक टाइम एक्नी वाला फेस वॉश यूज़ कर लें और एक टाइम ये वाला फेस वॉश यूज़ कर लें, स्किन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी जो है वो मतलब नरम होना शुरू हो जाएगी। एक्नी के प्रोडक्ट से जो आपकी स्किन ड्राई हुई हुई है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसको भी अच्छा करेगा। और जिन लोगों की एक्नी रुक चुकी है और टाइनी बम्स हैं और सिर्फ क्योर हो रही है एक्नी, वो इसको यूज़ कर सकते हैं दो टाइम, ये आपकी एक्नी को पे अच्छा वर्क, तो मतलब ये नहीं कहूँगी एक्नी को क्योर करेगा, बट स्किन को जब अच्छा कर देगा तो एक्नी ऑलरेडी ख़त्म हो जाएगी। आपकी स्किन की डेप्थ में जाके वर्क करेगा ये, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, तो एक्नी ऑलरेडी जो आपकी दबी हुई स्किन से एक्नी होगी ना, जो खुश्की से एक्नी होगी, वो आपके ऑलरेडी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। तो ये था डिटेल रिव्यू। तो ऐसे ही डिटेल, ऑनेस्ट और एक्सपीरियंस रिव्यू देखने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे बात कर सकते हैं, आप स्किन टाइप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।